नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है DIY क्रिएटिव यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस एम्पलीफायर का रिव्यू दूंगा। आपको ये एम्पलीफायर बोर्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने का सोच रहे हो तो ये एम्पलीफायर आपके लिए एकदम परफेक्ट। लास्ट 6 महीने पहले मैंने इस वाले एम्पलीफायर का रिव्यू किया था, जिसमें कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। इस वीडियो में मैं इस एम्पलीफायर का इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट एम्पलीफायर हो सकता है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो अगर आप एक DIY ब्लूटूथ स्पीकर बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद बात कर ले इसके शॉर्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आप 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस आपको एक बैटरी कनेक्ट करना है। जस्ट आपका एम्पलीफायर बनकर रेडी हो गया, एंड जो इसका ऑडियो आउटपुट है वो है स्टीरियो एम्पलीफायर, नॉट ए मोनो एम्पलीफायर। इस वाले एम्पलीफायर में क्या दिक्कत था कि मोनो एम्पलीफायर था ये, इसमें ओनली सिंगल IC लगी हुई थी। बट इस वाले एम्पलीफायर में ऐसा नहीं है, इसमें आप लोगों को 2 IC देखने को मिल जाएगी। ये स्टीरियो एम्पलीफायर है, यानी कि 1 IC पे हमारा 1 स्पीकर चलेगा, जो कि इस एम्पलीफायर की बहुत ही अच्छी बात है। रेडी टू यूज एम्पलीफायर, जस्ट आप लोगों को स्पीकर कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करना है, एंड बस किसी भी बॉक्स में डाल दो, आपका एम्पलीफायर बनकर रेडी हो गया। आपका DIY ब्लूटूथ स्पीकर बनकर रेडी हो गया। जो लोग खुद का ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एम्पलीफायर एकदम परफेक्ट एम्पलीफायर है, और जिनका बजट कम है वो इस एम्पलीफायर के साथ जा सकते हैं। इस एम्पलीफायर में आप लोगों को इनपुट देने के तरीके बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ के थ्रू, ऑक्स के थ्रू, TX कार्ड के थ्रू, मेमोरी कार्ड के थ्रू, बेसिकली USB के थ्रू, एंड माइक के थ्रू, हमारा जो माइक है उसके थ्रू। इसके अंदर FM भी सपोर्टेड है, सो इतने तरीके से आप लोग इसमें इनपुट दे सकते हैं। इस एम्पलीफायर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें आप लोगों को रिमोट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे IR का सपोर्ट दिया गया है अब की बार, इससे पिछले वाले एम्पलीफायर में IR का सपोर्ट नहीं था। प्लस इसमें आप लोगों को इनबिल्ट स्विच देखने को मिल जाता है, एज यू कैन सी, एंड स्विच अच्छे क्वालिटी का, ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा कुछ दिन यूज करने के बाद। एंड 5 वोल्ट इनपुट के लिए माइक और USB, बट यहाँ पर टाइप सी दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब बेसिकली टाइप सी हर जगह यूज हो रहा है, तो टाइप सी दे देना चाहिए था। बट कोई नहीं, ये चार्जिंग मॉड्यूल इसके अंदर इनबिल्ट आता है, जस्ट आप लोगों को बैटरी कनेक्ट करना है एंड स्पीकर कनेक्ट करना है, एंड आपका एम्पलीफायर बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ 4 बटन दिए गए, प्ले, पॉज, प्रीवियस मोड, ये सारे बटन हैं। सो इस एम्पलीफायर बोर्ड का कनेक्शन करने से पहले मैं थोड़ा सा इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ कंपेयर कर लेता। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन लोगों को इस एम्पलीफायर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, एंड उसमें आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था, I think 120 रुपीज का, एंड ये आप लोगों को मिल जाएगा 160-170, डिपेंड करता है आपके लोकल मार्केट में कितना रेट चल रहा है। अगर आप दिल्ली लाजपत राय मार्केट से खरीदते तो आपको यही वाला एम्पलीफायर, जो मैंने ये वाला एम्पलीफायर है, 60-70 रुपीज में मिल जाता है, एंड ये वाला जो एम्पलीफायर है 100 रुपीज के आसपास मिल जाता है दिल्ली के मार्केट में। ओके, जो ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं विदाउट रिमोट वाला, तो वो लोग इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, और जो लोग रिमोट वाला ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, वैसे आप लोग इसमें भी 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोनो आउटपुट है, यानी कि एक ही IC पे 2 स्पीकर चलेंगे, लेकिन इस वाले एम्पलीफायर के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 IC आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, 1 IC पर 1 स्पीकर चलेगा, 1 IC पे 1 स्पीकर चलेगा, तो ऑफकोर्स ऑडियो आउटपुट जो है इसका काफी अच्छा आएगा। सो अगर आप एक नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं विदाउट रिमोट वाला, तो आप लोग इस एम्पलीफायर के साथ जा सकते हैं। एंड ये एडवांस वर्जन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। क्यों पसंद आया? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इसमें आप लोगों को रिमोट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड जो एक कमी थी स्टीरियो एम्पलीफायर वाली वो भी दूर हो गई, एंड बस एक कमी और जो है सी टाइप वाली वो भी दूर हो जाए तो मजा ही आ जाए, एकदम परफेक्ट ये एम्पलीफायर हो जाएगा। सो या अब बढ़ते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। सो यहाँ पर मैं 5 वॉट का 2 स्पीकर यूज करूंगा इस एम्पलीफायर के साथ। ये बड़े आसानी से आप लोगों को आपके लोकल मार्केट में या फिर Amazon पे मिल जाएगा। इसका लिंक Amazon का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो फटाफट से मैं आप लोगों को इस एम्पलीफायर का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले स्पीकर में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने स्पीकर में वायर कनेक्ट कर लिया है, और फटाफट से इस मॉड्यूल में भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BAT बैट लिखा है, यहाँ पर हमारा बैटरी कनेक्ट होगा, यहाँ पर SPR लिखा है, यहाँ पर हमारा राइट स्पीकर कनेक्ट होगा, एंड SPL पर लेफ्ट स्पीकर कनेक्ट होगा। FM एंटीना के लिए यहाँ पर वायर दिया गया है, वायर दिया मतलब स्पॉट दिया गया है, यहाँ पर आप लोग वायर को सोल्डर कर सकते हैं। इतना बेसिक कनेक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर मैंने स्पीकर कनेक्ट कर लिया, एज यू कैन सी। अब इसमें फटाफट से बैटरी भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिथियम आयन बैटरी का यूज करूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बैटरी यूज कर रहे हैं तो पैरेलल में 2 बैटरी यूज करें, जिससे कि इसका बैकअप भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस जो एम्पियर है इसको अच्छा खासा मिलेगा, और स्पीकर का जो आउटपुट है वो काफी अच्छा आएगा। हाई वॉल्यूम पे बेसिकली फटेगा नहीं आउटपुट इसका।
डन, हमारा एम्पलीफायर बनके रेडी। कितना टाइम लगा? जस्ट हम लोगों ने स्पीकर सोल्ड कर लिया एंड बैटरी सोल्ड कर लिया, एम्पलीफायर बनके रेडी, रेडी टू यूज है। इसे रखते हैं एंड ऑन करके देखेंगे। ऑफ है अभी फिलहाल, मैं बैटरी होल्डर का यूज कर रहा हूँ। आप लोग बैटरी होल्डर का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब मैं फर्स्ट टाइम इसे ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ब्लू एलईडी इंडिकेट कर रहा है। अब मैं इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ फटाफट से। सो इसका मॉडल नंबर TSBT003 है। पेयर्ड। फटाफट से मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। सो यहाँ पर मैं ऑडियो लाइब्रेरी का नो कॉपीराइट म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। आई थिंक वॉल्यूम यहाँ से कम है, मैं इंक्रीज करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से वॉल्यूम फुल कर रखा है। तो सीन ऐसा है कि एक ही स्पीकर वर्क कर रहा है, एक स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। ये बात मुझे बाद में पता चला जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। मेरा एक स्पीकर खराब था, एम्पलीफायर एकदम ठीक था, बस मेरा एक स्पीकर खराब था, तो उसके लिए सॉरी। बट या मैं वापस ही म्यूजिक को प्ले करता हूँ एंड आप लोग तब तक आइडिया ले लो कि हाँ इसका आउटपुट कैसा है, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा आपको इस एम्पलीफायर के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका ऑडियो आउटपुट एकदम ठीक है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप लोग पैरेलल में दो बैटरी को कनेक्ट करें जिससे कि इसका बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने का सोच रहे तो ये एम्पलीफायर आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर आपको एक और वीडियो दिख रहा होगा, उसे जरूर से क्लिक करके देखना।